गाइस कैसे तैसे मैं जल्दबाजी में रेडी हुई और मुझे जाना है एंगेजमेंट में। फ्रेंड की भाई की एंगेजमेंट है और फेस देखिए कितना डल लग रहा है अभी। और ना हेयर भी वेट ही है तो इसी वजह से अद्विक की गाड़ी पीछे पीछे आ रही है मेरे चुन्नी को लटक के। तो हेयर भी अभी वेट ही है इसी वजह से। यार लाइट भी यहाँ का ऑन नहीं हो रहा है तो पानी पी रही थी। इतनी जल्दी जल्दी रेडी हुई हूँ मैं क्योंकि टाइम पर हुआ हमारा। अभी हमने डिसाइड किया कि हमें जाना है करके। वो आके चली गई थी, उसका मैंने क्या बोलते हैं तो मेकअप करके दिया था। एक्चुअली मैं सोई थी तो उसका कॉल आया कि उसको मेकअप करके चाहिए करके। तो मैंने उसको बोला था कि भाई की एंगेजमेंट पे मैं मेकअप करके दूंगी उसे, तो वो आ गई थी। और 1:30 बज रहे अभी तो निकलना है जल्दी जल्दी। 1 मिनट माही लॉक कर लो बेटा। तो एक मम्मा ये मिनट वाला फिश पहन रही है। ठीक है। इसकी डाल दी है। तो ना वो आ गई थी और वो मेकअप करके चली भी गई। तो वो कब से वेट कर रही है हमारा और हम निकले ही नहीं है। टाइम पर हमारा डिसाइड हुआ कि हम जाएंगे करके। पहले मैंने उसको बोला था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने नहाया वहाया नहीं था, ब्रश नहीं हुई थी, इसी वजह से मुझे लगा था कि मैं नहीं जाऊँगी। जब फ्रेश हो गई अभी तो मुझे लगा कि नहीं जाना चाहिए, वो भी वेट कर रही है। तो चलिए फिर जाके आ जाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे, मतलब वहाँ पर मिलूँगी या पता नहीं। अब चलो जल्दी अद्विक। ए फुगलू अद्वि अद्वि क्या हो गया अद्वि? शूज नहीं पहनने दिए ना उसके पसंद के। इसी वजह से। हाँ अद्वि उसके पसंद के शूज पहनने देते तो वो खुश रहता है। बोल रहा था इस पे मैंने बोला वो वाले शू पहनो, तो बोल रहा था कि अभी वो स्पोर्ट्स शू पहनना है उसे। अभी इसको समझ में नहीं आता किस पे क्या पहनना है। और उसके पूरे दोनों के भी लेस निकाल दी। एक तो टाइम हो रहा था, लेट हो रहा था वहां पे जाने के लिए, और पूरे दोनों के भी मतलब वो स्पोर्ट्स शू भी पहना देते, चलो जिद है बच्चों की तो मान लेते, बट वो दोनों के भी लेस निकाल दी उसने। नहीं पहना है, मैंने उसको साथ में ले लिया दूसरा वाला ड्रेस, मतलब सॉरी ड्रेस दूसरा वाला शू उसके साथ में ले लिया मैंने। और इसी वजह से मुंह फुला के अद्विक हाय तो बोल दो बेटा। नहीं बोलना है? हाय बोल दो ना, सिर्फ हाय बोल दो। आपकी तबीयत बताओ कैसी है? तबीयत ठीक है अभी आपकी? नहीं खराब है। खराब है? हाँ। ओ अभी घर पे चले घर पे? हाँ। घर पे चले? हाँ। आपकी तबीयत खराब है ना? हाँ। घर पे चले? हाँ। इसकी भी तबीयत खराब, मेरी भी तबीयत खराब, चिड़चिड़ाहट ज्यादा हो रही है। और मेकअप पता नहीं जल्दबाजी में कैसा हुआ, मतलब देखा भी नहीं मैंने, बाहर भी आके नहीं देखा। और थोड़ा सा वहां पर अंधेरा था तो इसी वजह से मैंने जल्दबाजी में मेकअप किया। पता नहीं कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है? अभी ये मेरा आईना है। अच्छा लग रहा है। सच बताओ सही में अच्छा लग रहा है? नहीं नहीं मतलब कहाँ पे ज्यादा कुछ कम? कुछ नहीं अभी अच्छा ग्लो हो रहा है। ग्लो हाइलाइटर लगाया इसी वजह से ग्लो कर रहा है, नहीं तो इतना डल लग रहा था। बाप रे बहुत डल हो गई थी स्किन, तो आज मैंने हाइलाइटर थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई किया है। डे का फंक्शन है फिर भी मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर लगाया क्योंकि बिल्कुल डल डल लग रही थी मुझे स्किन, इसी वजह से थोड़ा सा हाइलाइटर लगाने की वजह से ना ग्लो कर रही है स्किन अब। सच में ग्लो कर रही है? सही है। ऐसे लग नहीं रहा ना, मैं तबीयत खराब है मेरी करके? नहीं, नहीं। तो चलो अच्छा है। और ये वाला ड्रेस पहना है मैंने, सिंपल सा है, मतलब थोड़ा सा पार्टी लुक आता है इससे। व्हाइट कलर का इसका ये है ऊपर का क्या बोलते हैं कुर्ता, और नीचे का प्लाजो जो है वो रेड कलर का है, और चुन्नी भी उसी कलर की है। थोड़ा सा गोल्डन टच है उस पर, गोल्डन फॉइल मतलब वर्क है, तो इस वजह से मुझे लगा कि यही पहनना चाहिए। और जल्दबाजी में भी थी, साड़ी वगैरह पहनने के लिए टाइम भी नहीं था, तो इसीलिए यही पहन लिया। कोई बात नहीं, तो चलो वहाँ पर जाएंगे, अटेंड करेंगे फंक्शन तो ही मतलब उतना ही ठीक है क्योंकि उसको भी अच्छा लगेगा, मेरे फ्रेंड को और उसकी मम्मी का पापा को भी अच्छा लगेगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। हाँ क्योंकि इनसे मिलना था अंकल को और ये फर्स्ट टाइम अभी मिलेंगे अंकल से। तो चलिए कोई बात नहीं, जाके मिलती हूँ आपसे वहाँ पे। ओके तो थोड़ा सा टर्न करूँगी है ना, गाड़ी निकलना लेना अपनी निकल। गाइस पहुँच गए हैं और ना सिटी के सिटी में ही पता नहीं चलता कि अरे बाप रे इन्होंने क्या लगाया ये। सिटी के सिटी में ही पता नहीं चलता, मुझे तो गाड़ी का मेकओवर हुआ ये भी नहीं पता है। आओ
तबीयत खराब होने की वजह से गाड़ी का इन्होंने मेकओवर किया ये भी नहीं पता मुझे। चलो अभी इधर देखो, ए नहीं अभी आज तो उससे बात ही नहीं करनी है किसी से। माय माय हाय बोल दो। हाय। चलो हाय बोलूं दे, हाय बोलूं दे। और इसका मेकअप कैसे लग रहा है ये ज़रूर बताना मुझे। एक्चुअली ये है मेरे फ्रेंड जिसके भाई की आज एंगेजमेंट है और जल्दबाजी में कैसी तैयार हुई हूँ मैं देखो। हाय बोलूं। हाँ तो इसका मेकअप मैंने आज सुबह करके दिया था, कैसे लग रहा है ज़रूर बता दें। और चलो बहुत लेट हो गया ना। एक्चुअली गाइस थोड़ा सा लेट हो गया था यहाँ पे आने के लिए क्योंकि मतलब मेरा मूड ही नहीं था पहले आने का क्योंकि तबीयत ख़राब थी, तो इसी वजह से मैंने सोचा था कि नहीं जाऊँगी, बट इसने फोर्स किया मेरी फ्रेंड ने, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो जाके आ जाते हैं, मतलब उसको भी अच्छा लगेगा, इसी वजह से मैं आ गई थी। बट थोड़ा सा लेट हो गया था यहाँ पर आने के लिए, उन लोगों ने खाना वगैरह भी खा लिया था और कोई बात नहीं हम लोग गए, फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, उसके बाद एंगेजमेंट स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया था उन लोगों ने। तो और ना ये जो फ्रेंड है मेरी, एक्चुअली ये है जिम की फ्रेंड मेरी, जिम में हम लोग फ्रेंड बने थे तो, बट वो मुझे दीदी जैसे मानती है तो इसी वजह से मैं उसको मतलब बहन, छोटी बहन ही है मेरी वो। और उसकी जो फैमिली है वो भी मेरी फैमिली जैसी ही है, तो इसी वजह से जिसकी अभी एंगेजमेंट है वो भी मेरा भाई जैसा ही है। अभी अगर वो मेरी क्या बोलते हैं तो बहन है तो उसका भाई मेरा भाई ही हुआ। यहाँ पर पता नहीं इतनी सीरियस होकर हम लोग क्या बातें कर रहे थे, आई थिंक मैं पूछ रही थी उससे कि कौन सा किसकी तरफ से है ऐसा वैसा, तो ये चल रहा था। तू अद्विक तू सेल्फी कसा काढतस, तू सेल्फी असा हां हां फोटोज कसा काढतो तू? एक्चुअली ना ये सब जो है वो दूल्हे की साइड से होता है दुल्हन के लिए, तो ये सारा कुछ वो लेके आए थे दूल्हे, मतलब दूल्हे वाले दुल्हन को देने के लिए। यहाँ पर फ्रूट्स होते हैं, सारा कुछ चीज़ें, चॉकलेट्स वगैरह जो भी दुल्हन को पसंद है वो सारी चीज़ें होती है। और यहाँ पर है ये दूल्हा, और एक्चुअली इसकी लव मैरिज है बट काफ़ी क्यूट है इसकी वाइफ, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था यहाँ पर इस तरह से सारे गिफ्ट्स दिए जाते हैं, वो गिफ्ट्स वगैरह उसके रखे थे। और ये ना ये है दूल्हे का छोटा भाई, तो एक्चुअली हम लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि अभी बड़े की तो शादी हो रही थी, तो हम लोग बोल रहे थे उसे कि अभी आप मार्केट में आ गए हो करके, तो ऐसी मजाक उड़ा रहे थे इसी वजह से हंस रहे थे सब लोग। और यहाँ पर सारे फ्रूट्स वगैरह जो दुल्हन को दिए जाएंगे बाद में वो रखे हैं, और उधर गिफ्ट्स वगैरह रखे हैं। और ये है उसकी वाइफ, काफ़ी ज़्यादा क्यूट है गाइज, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम उसे देखा था तो मैंने मेरी फ्रेंड को वही बोला कि कितनी क्यूट है, मतलब इसके जो फीचर्स हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे मुझे उसके मतलब मैंने जब उसको देखा ना एकदम से उसकी डॉल जैसी ही दिखी वो, तो इसी वजह से मुझे ना काफ़ी पसंद आई वो। और बस यहाँ पर जो मतलब कुछ दिया जाता है या कुछ चढ़ाया जाता है तो वो होता है, और दूल्हे वालों की तरफ से जो भी दिया जाएगा वो अभी यहाँ पर दूल्हे के मम्मी पापा दे रहे हैं उसको सारे गिफ्ट्स वगैरह, मतलब मेकअप का वो जो सामान होता है सारा कुछ दिया जा रहा है। और दुल्हन की तरफ से जो आता है वो दूल्हे को दिया जाता है, और दूल्हे की तरफ से जो आता है वो दुल्हन को दिया जाता है, गोल्ड वगैरह या जो कुछ एक्सचेंज होता है वो पहले एक्सचेंज होता है और बाद में रिंग एक्सचेंज होती है, तो वो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पहनाते हैं। ये तो सभी की साइड में होता होगा, मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ आप लोगों को।
तो यही होता है हमारे साइड में भी, बट पता नहीं आगे की, मतलब आगे की बोल रही हूँ मैं, पहले की जो रस्म है वो आप लोगों की साइड में होती है या नहीं ये नहीं पता मुझे, बट जो रिंग एक्सचेंज होती है तो वो इसी तरह से होती होंगी। तो इस तरह से रिंग एक्सचेंज हुई थी, पर दूल्हा दुल्हन भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे। मतलब आफ्टर ऑल लव मैरिज है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है, मतलब घर वालों को मनाओ, उसके बाद उनकी परमिशन लो, उसके बाद सारी चीज़ें वो सारा होता ही है। तो उसके बाद जब फल मिलता है, मतलब सब्र का फल जो होता है वो मीठा ही होता है, तो इसी वजह से वो दोनों भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। तो उनके फेस से आपको दिख रहा है हुई है इन दोनों की एंगेजमेंट, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पर जाके भी, और क्योंकि मेनली मेरा मूड ठीक हो गया और फ्रेश हो गया तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी मेरी कॉल किए जा रही थी क्योंकि 2-3 दिनों से मम्मी को भी कॉल नहीं किया था और व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली एक व्लॉग मैंने जो भाई के एंगेजमेंट वाला बनाया था वो मैंने अपलोड कर दिया था, बट बाद में मैंने भाई के एंगेजमेंट से आने के बाद तो मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया, रेस्ट ही करी थी मैं 2-3 दिन, तो इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं अपलोड करवा रही थी। मम्मी को कॉल किया तो मम्मी बोल रही थी कि, मम्मी ने कॉल किया तो एक दिन मैंने मम्मी से बात नहीं की, और फिर उसके बाद मम्मी ने दोबारा दूसरे दिन कॉल किया तो मम्मी को बताया कि तबीयत ख़राब है करके, तो फिर मम्मी बोल रही थी कि आपको नज़र लग गई है, नज़र उतारो करके ऐसे बोल रही थी। तो इसी वजह से फिर उसके बाद नज़र उतारी इन्होंने ही, नज़र उतारी मेरी, और उसके बाद थोड़ा सा ठीक लगा मुझे। हॉस्पिटल जाके आई मैं पहले दिन, तो दूसरे दिन मतलब एंगेजमेंट के दूसरे दिन मैं हॉस्पिटल जाके आई, फिर उसके बाद भी मतलब टैबलेट वगैरह से भी असर नहीं हुआ, टैबलेट वगैरह का भी। तो उसके बाद फिर यही प्रोसीजर घर की जो होती है नज़र वज़र उतारना वो किया, उसके बाद अच्छा लगने लगा अब, तो फाइनली मैं अभी ठीक हूँ। और यहाँ पर हो रहा है केक कट, यहाँ पर केक कट करने के लिए वो खड़े हैं दोनों, केक कट हो रहा है, और ये था लास्ट, मतलब रसम, रसम में ही आता है ना तो रसम ही बोलेंगे। तो यहाँ पर दोनों केक कट कर रहे हैं और कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं दोनों भी, कितने मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट कपल लग रहे थे, और दुल्हन तो आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तो यहाँ पर मतलब एंगेजमेंट हो गई है, एक दूसरे को केक खिलाएंगे, सभी लोग उनको केक खिलाएंगे, और बस यहाँ पर है ना। उसके बाद हम लोगों ने, उसके बाद फोटो सेशन हुआ था सबके, उन्होंने पैर वगैरह पड़े थे तो उसके बाद फोटो सेशन हुआ था, तो उसके लिए हम लोग नहीं रुके थे, मतलब थोड़ी देर रुके थे हम लोग, बट दूल्हा दुल्हन से मिलने वाले ही इतने लोग थे, और उन लोगों ने फिर सबके बड़ों के पैर वगैरह पड़ना होता है तो सारी चीज़ें हो रही थी। तो इसके बाद उनको ड्यूटी भी जाना था, तो इसी वजह से हम लोगों ने फिर ज़्यादा वेट नहीं किया, हम लोग घर पर चले आए थे, तो ऐसे ही हुआ था। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि दूल्हा दुल्हन के साथ सेल्फी ही ले ली थी, फिर वो नीचे आ गए थे तो स्टेज के नीचे आ गए थे थोड़ी देर के लिए, तो हम लोगों ने ली थी उनके साथ, क्योंकि फ़ोटो के लिए हमें इतना ज़्यादा लेट हो जाता और फिर इनको ड्यूटी जाना था, तो इसी वजह से हम लोग फिर जल्दी आ गए थे घर पर। वैसे भी केक कट करने के बाद तो फिर प्रोग्राम तो नहीं होता है, प्रोग्राम तो फिनिश हो जाता है, वही होता है जो रिलेटिव होते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, दूल्हा दुल्हन पैर पड़ते हैं सबके, तो यही चीज़ें होती है, तो फिर हम लोग इसी वजह से घर पे चले आते हैं। प्रोग्राम हो गया फिनिश और अब हम जा रहे हैं घर, गाना चल रहा था। एक्चुअली ज़्यादा ही ऑयली लग रहा है, ये बोल रहे कि ज़्यादा ऑयली नहीं ग्लो लग रहा है फेस पे, मैं बोल रही हूँ ऑयली लग रहा है फेस ज़्यादा, पता नहीं ऐसे भी ऑयली फेस है तो ऑयली लगेगा ही। और चलिए फिर घर जाते हूँ और घर जाके मिलती हूँ आपसे। अजविक ने बहुत ज़्यादा मस्ती की ना वहाँ पे, हाँ भी बोल रहा है हो भाई है ना, माही आपने में बिजी थी। हाँ मैं बीजी का थी, जुड़ी थी ना आप दोनों भी जुड़ी थी, मैं भी जाऊँ आप दोनों भी जुड़ी थी, अदित की मेरी जुड़ी थी। हाँ क्या भी जोड़ा था, मैं भी जोड़ा था, क्या था आप, क्या क्या थे आप, मैं भी जोड़ा था, जोड़ा था आप, हाँ किसको जोड़ा था, किसको जोड़ा, मैं जोड़ा, हाँ मैं भी जोड़ा। पहुंच गए हैं घर पे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, इनको ड्यूटी जाना है इसी वजह से थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और हाँ आज है संडे, मैं आपको बताना ही भूल गई स्टार्टिंग में, क्या हुआ इतनी जल्दबाजी हुई कि आपको बताना ही भूल गई कि आज कौन सा डे है, कौन सी डेट है। एक्चुअली मुझे डेट तो याद ही नहीं रहती है, बट डे कौन सा है वो भी बताना भूल गई, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी हम लोग गए, जल्दी जल्दी रेडी हुई, जल्दी जल्दी गए इसी वजह से। और
संडे एंजॉय किया हमने संडे वैसे भी। हाँ संडे तो छुट्टी रहो ना रहो संडे एंजॉय होता ही है, बट आज संडे एंजॉय भी किया। और सच में यार ग्लो लग रहा है फेस पे ये देखो। सच में मतलब क्या सही में? चलो बाबा अंदर चलते हैं। हाँ डाउट वाली बात है क्या? लेकिन फेशियल का ग्लो है या हाइलाइटर का ग्लो है वो नहीं पता, कोई भी हो लेकिन ग्लो लग रहा है। तो चलिए मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा थक गया है, कुछ किया भी नहीं फिर भी बहुत थक जाते हैं कहीं जाते हैं तो। नींद अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो गाइज आने के बाद मैं तुरंत सो गई थी और उसके बाद अभी चाय फिनिश की है थोड़ी देर पहले, और सिर्फ मेकअप रिमूव नहीं किया था तो मेकअप भी अभी रिमूव करना है क्योंकि बहुत आलस आ गया था मुझे। ज्वेलरी वगैरह निकाल ली थी, मतलब ज्वेलरी क्या पहनी थी यार, इयर रिंग्स ये पहने थे तो वो निकाल लिए थे, बैंगल्स वगैरह निकाल लिए थे और तुरंत सो गई थी मैं। तो अभी उठी हूँ तो मैंने सोचा चलो चाय पीती हूँ, चाय बनाई चाय पी और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि यहाँ पर एंगेजमेंट वगैरह कैसी होती है। भाई के एंगेजमेंट में तो मैं आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाई, मतलब वहाँ पर होता है ना कि एक घर की अगर कुछ घर का प्रोग्राम हो या सभी रिलेटिव जो है वो हमारे ही हो, मतलब पास के ही हो और हम मिलते हैं उनसे काफ़ी दिनों के बाद मिलते हैं तो बातें बातें होती है, और ऐसा भी होता है कि उसमें हम भूल भी जाते हैं कि कुछ शूट करना है हमें। तो वैसे ही हुआ था उसके एंगेजमेंट पर, तो इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि किस तरह से होता है। सेम ही प्रोसीजर है यहाँ पर, जैसे हुआ था वैसे ही वहाँ पे हुआ था, जो कुछ दिया जाता है वो दिया जाता है, एंगेजमेंट रिंग पहनाई जाती है, तो वो सब प्रोसीजर तो सेम था बट दूल्हा दुल्हन अलग थे, तो वैसे ही हुआ था। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर डिटेल में शूट कर लिया। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपने भी इन्जॉय किया होगा इस ब्लॉग को देख के। तो मिलती हूँ आपसे अच्छे से नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।